तू इस लड़की पे क्यों जा रहा है? तू इसको क्यों ले आता है? मुझे मुझे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? सैम रुक जा, चुपचाप मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। रोक इसको, दिमाग खराब हो गया तेरा। फोन दे मेरा। आप बीच में मत आओ, आपका मैटर नहीं है। ये तू क्या कर रहा है? आपका मैटर करो, आपका मैटर नहीं है ना। पर टक्कर इधर बजी इस जब मेरी बात। चलो मेरी गलती है, टक्कर मैंने मारी, ठीक है? पहले बात सुनो मेरी ध्यान से। टक्कर से फ्यूल थोड़ी लीक होगा यार, पूरा फ्यूल। हाँ अभी तक यार क्या करते हो यार? यार फ्यूल क्यों लीक होने लग गया? कल वाली बात पे लड़ना है या आज वाली बात पे लड़ना है या बिना बात के लड़ना है? तीन ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने किया क्या था? उसको की बात छोड़ के आना चाहिए था आपको। मैंने आपके लिए ऐसे बोलेगा ना, मैं उसकी जुबान निकाल दूं, ठीक है? मैं तो मैं क्या इसको ड्रैग नहीं करना है सैम वीडियो में, ठीक है? मैं भी समझता हूँ कोई लड़की है, ठीक है? तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू चैनल ऑल इन ब्लॉग्स। तो कैसी मेरी YouTube फैमिली? होप सब अच्छे होंगे। गाइस देखो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने घर से। और गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी है अपनी बाइक्स। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट घूमट, बिकॉज कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कल हम इसकी मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अभी जल्दी से घूमट चलते हैं, बहुत टाइम हो गया घूमट गए हुए। तो घूमट चलते हैं, देखते कोई प्यारा सा रैप अपनी KTM RC 390 के लिए। और भी दो तीन मॉडिफिकेशन है जो मुझे इसमें करवानी है। यहाँ पे चेक करो, ये देख रहे हो ना, इसका ये गियर लीवर टूट गया हुआ, ये भी न्यू इंस्टॉल करवाएंगे और इस पे फुल रैप करवाएंगे हम, ठीक है? तो अभी देखते हैं चल के कौन सा रैप अवेलेबल है वहाँ पे। जो न्यू KTM RC 390 है ना, उसमें कोई सबसे खराब चीज मुझे लगती है ना, वो इसका फ्रंट है यार। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे इसका है ना, ये देखो कितना शार्प लुक है, ये देख रहे हो ना। इसका भी अच्छा है, इसका तो टूट गया, चलो इसका ठीक करवा लेंगे। इसका बहुत बेकार है यार। तो चलो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं। ये रहा हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। आप लोगों को पता ही है हमने मोटो व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे लगी है अपनी गाड़ी, गाड़ी की हालत देख लो भाई, ये देखो धूल मिट्टी, चेक करो गाड़ी के ऊपर कितनी धूल मिट्टी है, बुरी हालत हो गई हुई है गाड़ी की। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी हमने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया है। और यहाँ पे देखो भाई इसको क्या हो गया, ये क्यों नीचे गिर गया, ये कैसे टूट गया भाई, ये देख रहे हो? हवा चल रही थी ना गाइस, हवा की वजह से टूट गया होगा। तो इसको थोड़ा ना एडजस्ट करते हैं इसके साथ, एक मिनट रुको। आगे वाले फ्लावर्स की इसको सपोर्ट देते हैं ना, पर इसको सपोर्ट मिल नहीं रही है क्योंकि नीचे से टूट गया हुआ है भाई, ये देख रहे हो, नीचे से ही टूट गया हुआ है यहाँ से। तो इसको कुछ नहीं कर सकते, नीचे कंडे भी हैं, कुछ करके मैंने अटका दिया, नहीं फिर से गिर गया गाइस, ये टूट गया, इसको कुछ नहीं कर सकते अब। तो चलो अपनी KTM RC 390 को बाहर निकालते हैं। दो दिन से ना जम्मू में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब अच्छा भी बोल सकते हो आप, ख़राब भी बोल सकते हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब ऐसा मौसम होता है उसको आप अच्छा ही बोलोगे। नीचे टच ना हो, नीचे आओ, नहीं हुआ। सो गाइस अभी मेरा इतना गंदा वाला पोपट हो गया ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे भूल ही गया था कि भाई आज संडे है, संडे को घूमट बंद होता है भाई। अब हम कहाँ मॉडिफिकेशन करवाने के लिए जाए, मुझे ये नहीं समझ आ रही है, पोपट हो गया भाई आज हमारा। गाइस मुझे पता होता है संडे में हल्को लेके आता और हम संडे राइड करते, और यहाँ पे मौसम देखो भाई, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है। गंदा वाला पोपट हो गया। फिर भी एक बार ही ना सिद्रा पहुंच के मैं पिकी भाई को कॉल करता हूं, अगर खुला होगा ना गुम्मट फिर हम दो मिनट में जाएंगे मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है? और हाँ गाइस मेरे माइक को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई, मैंने न्यू माइक लिया था, इसको पता नहीं क्या दौरे पड़ गए। मेरा कल का पूरा व्लॉग खराब हो गया हुआ, आपको पता है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई है। मैंने इतनी खतरनाक ड्रैग रेस लगाई थी, कुछ भी साउंड नहीं आई पूरे वीडियो में। चलो आप भगाते हैं, पता नहीं मेरा माइक अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे कुछ पता नहीं है भाई। ये चेक करो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लीन चेक करो, लीन तो ठीक है, बंदर ना आ जाए भाई, इधर बहुत गंदे बंदर होते हैं आजकल। ओए होए, ओए होए होए, ओए ये देख रहे हो बंदर, साइड पे सिर्फ बंदर ही बंदर है, क्रॉसिंग कर रहे होते हैं ना, बीच में आ गए ना पैसे की तैसी हो जाएगी। पर आज क्या गंदा वाला पोपट हुआ मेरा भाई, मैं ये बाइक लाया इसलिए था कि मुझे मॉडिफिकेशन करवानी थी और हमारा पोपट हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या भागती है ये। गाइस मेरे दिमाग में एक और आइडिया था कि हम इसको हल्क वाला रैप ही करवा देते हैं, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना, सेम हल्क वाला रैप ही करवा देते हैं। ये चेक करो, देख रहे हो क्लोज कॉल, ऑटो को क्लोज कॉल देने में बड़ा मजा आता है भाई। गाइस जो हमने लास्ट टाइम रैप मंगाया था ना वो वापस से मंगा लेते हैं, इसको भी हल्क बना लेते हैं, क्या बोलते हो? पर यार मैं सोच रहा हूँ इस पर कुछ डिफरेंट करते हैं, फिर दोनों बाइक सेम हो जाएंगी, मज़ा नहीं आएगा इतना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये पतली सी बाइक है ना, इसके लिए मैंने करेक्टर सोचा कि मैं इसको स्पाइडरमैन बनाता हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन की लुक भी ऐसी है जैसे इस बाइक की है। यहाँ पे मैंने ये लगाया भी है स्पाइडर, इस पर सूट भी करता है, तो क्या बोलते हैं इस पर स्पाइडरमैन बनाए, इस पर स्पाइडरमैन ही बनाएंगे, सूट करेगा क्योंकि ये पतली है ना, शार्प लुक है इसकी, तो इस पर हल्क सूट ही करेगा। ये देखो, ये देखो भाई, इंडिकेटर तो दे दिया करो यार। A few
few moments later. So guys, ये चेक करो, अभी हम पहुंच चुके हैं नेस कैफे. तो चलो यार अभी पिक्की भाई को कॉल करके पूछते हैं कि जो हमारी शॉप है वो खुली है बंद है. हे सिरी, कॉल पिक्की ब्रो गुमट. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो? ठीक हो? मुझे बताओ शॉप खुली है आज बंद है? संडे आज. यार खोल दो यार, मैं मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आ रहा था, मुझे बाद में पता चला संडे है. मेरी बात सुनो, ये नहीं अपनी जो न्यू KTM RC 390, इस पे करना हमने स्पाइडरमैन वाला रैप, मिल जाएगा ना? कितने टाइम में? मुझे पहले मिलो कल. अभी नहीं, मुझे टाइम बताओ कितने टाइम में आएगा रैप. दो दिन तीन दिन आप बोलते हो पिक्की भाई, आता दो हफ्ते के बाद ही है. फिर पहले बताओ सही है क्या, घर में सोए रहते हो और ध्यान आपका. तो क्या करे, घर में जागे रहे मौजू मत क्या करो मेरे साथ. अभी खोलोगे शॉप? शॉप खोलोगे अभी? नहीं यार, मैं जम्मू नहीं हूँ, बाहर नहीं हुए. नहीं यार, फॉरेन चले गए? फॉरेन चले गए, बाहर गया. मैंने सुबह सुबह वीजा लगवाया, शाम को वीजा एक्सपायर हो गया, वापस आ जाऊंगा. चलो ठीक है, कल आ रहा हूँ मैं. ठीक है, ओके बाय. सो गाइस, अभी आपने कन्वर्सेशन सुन ली पूरी, ठीक है. स्पाइडरमैन वाला रैप करवाने वाले हैं हम इस पे, ठीक है. बाकी आज गुम्मट बंद है तो आप कुछ कर नहीं सकते, खज्जल हो गए हम. मैं हल्क लेके आया होता तो अभी वहाँ पे वीलीज मार रहा होता, पर हम खज्जल हो गए. A few inches later. भाई चलो अभी जल्दी से चलते और फ्यूल अप करवा लेते अपनी बाइक में. ओ भाई ये क्या चीज़ है? और गाइस देख रहे हो किसी ने लॉलीपॉप रखा हुआ है भाई मेरे इसमें आगे, देख रहे हो? तो अभी लॉलीपॉप भी रुक के खाएंगे भाई. ओ भाई साहब, अंकल देख रहे हो? सो गाइस ये चेक करो, अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे. और गाइस आज ना हम ऑफ रोड करने वाले हैं, मैंने अभी लड़कों को फोन कर दिया है, तो चलते अच्छा था ऑफ रोड करते हैं भाई. तो यहाँ पे क्या करे. हेलो मैडम, क्या सीन है आपका? खज्जल करते हो बंदे को, कल मेरे को वहाँ छोड़ के चले गए थे आप, शर्म नहीं आई आपको? डलाओ डलाओ फ्यूल, बात करनी है फिर मुझे आपसे. हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं करनी बात? ऐसे नहीं करनी बात. इस लड़की ने ना कल मुझे हाईवे पे छोड़ दिया था, छोड़ के चली गई थी. मैंने क्या किया था, क्या किया मैंने? इधर आके बात करो ना, फ्यूल डला लो. चलो पहले पता है मैं लिफ्ट मांग के गया हूँ वापिस, आपको बिल्कुल भी वो नहीं आया तरस वरस? किया क्या था मैंने? मैंने क्या किया था ऐसा? कह रही है इसकी फुल कितने की होती है. क्या नमूनी व्लॉग्स है ये. चलो ना आगे भाई, हमको भी फ्यूल डलाना है. आपका थोड़ी है पेट्रोल पंप, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बोले यहाँ से फ्यूल नहीं डलाना और कहीं से डला जाके. हटाओ, और स्कूटी लगा के चली गई. भैया आपका ग्राहक हूँ मैं यार, हटवाओ. ये क्या हो रहा है यार, क्या बदमाशी डाली है इन्होंने, देखना जानबूझ के कर रही है अब. हेलो, डल गया फ्यूल, हटाओ इसको. जानबूझ के कर रही है ना, है नहीं हटानी, ठोक दूँ पीछे से फिर. चलो फिर. ओ सही में ठोक, सही में ठुक गई गाइस. हटा हटा, ये क्या हो रहा है? फ्यूल क्यों लीक हो रहा है भैया, ये क्या हुआ? हाँ मैंने कुछ नहीं किया भाई. गाइस ये देख रहे हो फ्यूल, इसकी स्कूटी का फ्यूल लीक होना शुरू हो गया. यार ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया, इतनी सी डिक्की खोलो, चुप करो यार, ये क्या कर दिया यार? ओ भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, अभी तक तो ठीक था यार, छोटी सी टक्कर बजी. हो रहा है यार सारा, पर क्यों हो रहा है भैया, क्या हुआ इसको? हाँ क्या पता क्या हुआ मुझे, क्या पता क्या हुआ मुझे, क्या पता का क्या मतलब है तुम सारे मेरे पे. और टक्कर मारी, पर टक्कर से फ्यूल थोड़ी लीक होगा यार, पूरा फ्यूल. हाँ ठीक था अभी तक यार, क्या करते हो यार? यार फ्यूल क्यों लीक होने लग गया, सारा फ्यूल लीक हो गया यार, क्या आगे करना, आगे करना इसको. ये कैसे हो रहा है? इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, स्कूटी को वहां जाओ. ये कैसे लीक हो रहा है? कैसे, क्या हमने टक्कर मारी ना यार? यार टक्कर मैंने इधर मारी, फ्यूल कैसे लीक होगा इधर से, पूरा फ्यूल लीक हो गया इसका तो. ओ यार मैंने मजाक में टक्कर मारी गाइस, इसका फ्यूल क्यों लीक हो रहा है यार, ये क्या चक्कर है? यहाँ से लीक हो रहा है, देख रहे हो ये यहाँ से, इधर तो पूरा टैंक फुल है आपका ये वाला. क्या पता क्या हो रहा है यार, मुझे स्कूटीज की नॉलेज भी नहीं है. करो एक मिनट स्टार्ट करो, बैठो जरा, ये आपके पेट्रोल पंप पे कोई जिन विन तो नहीं है? इधर सब कुछ ही गड़बड़ होती है, एक बारी टक्कर बज गई थी ये खुल गया था, याद है? मैं इधर जिन विन तो नहीं है कोई भाई? खुल यार, क्या हो गया इसको? खुल गया भाई,
डाल दो भैया। गाइस मुझे समझ नहीं आती इस पेट्रोल पंप पे क्या सीन होते हैं। एक बारी टक्कर बजी थी भाई इनका, यही टूट गया था पूरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी उसको टक्कर बजी, उसको पता नहीं क्या क्या लीक होने लग गया यार। भाई दिक्कत क्या हुई इसकी स्कूटी को, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कहाँ चली गई, क्या कहाँ गई लड़की। हाँ देखते हैं गाइस इसकी स्कूटी को क्या हुआ यार, क्या सीन क्या हुआ स्कूटी को यार, मैंने क्या किया। ओ यार मजाक मजाक में थोड़ी सी टच हुई जीनत, पर इसका सीन नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ। टक्कर का कोई सीन नहीं है, क्यों लीक हो रहा है, एक मिनट हटो। टक्कर का सीन नहीं, थोड़ी देर पहले तो नहीं लीक हो रहा था। जैसे आपने पहली बार फ्यूल डलवाया आज? नहीं मैं रोज डलवाती हूँ, क्यों फिर क्या दिक्कत है इसको। एक मिनट उधर जाओ ना, मेरे को देखने दो एक बार प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड, ये तो नहीं हुआ कि उनको मतलब फुल करने के लिए ओवर वो हो गए फिर? ओवर ऊपर से होता है, नीचे से थोड़ी ओवर होता है, क्या पता का। तो टक्कर का सी, ओ जीना टक्कर यहाँ बजी इसको, बजी नहीं यार मेरी स्कूटी, नई स्कूटी है, क्या हो गया आपको? और होती तो मैं बोलती यार, पर टक्कर इधर बजी इस जगह। मेरी बात चलो, मेरी गलती है, टक्कर मैंने मारी, ठीक है पहले बात सुनो मेरी ध्यान से। टक्कर इधर देखो, इस जगह पे बजी है ना मडगार्ड, इस पे टक्कर बजी, इधर से फ्यूल क्यों लीक होगा टक्कर। तो एक बार चेक करवा लेते हैं ना इसको, न्यू स्कूटी है। हाँ बाइक स्कूटी की बात नहीं है, आप इधर टक्कर मारोगे फ्यूल नहीं लीक होता कभी भी। तो गड़बड़ है यार। अब मैं क्या बोलूं क्या गड़बड़ है, और मेरी गलती ये है कि मैंने टक्कर मारी, अब आप बोलोगे मेरी वजह से फ्यूल। देखो यार अपने उस फ्रेंड का जो अभी नई नई आपको मिली है उसके लिए आपने मेरे से यार। देखो यार अब आप कल की बात पकड़ लिया, अब आपने वापस कल की बात, क्या कल की बात तो अभी तो यार अभी तो कोई गलती नहीं है मेरी, मेरी गलती है, आपकी गलती है और इसमें भी है। और मैं मान रहा हूँ मैंने टक्कर मारी, क्या बोलूं मैं क्या। अच्छा अब आप मुझे बताओ आपको लड़ना किस बात पे है, कल वाली बात पे लड़ना है या आज वाली बात पे लड़ना है या बिना बात के लड़ना है, तीन ऑप्शन है आपके पास। कल आपने मुझे हाईवे पे छोड़ दिया, पता है मैं लिफ्ट मांग के वापस गया हूँ, कैसे इंसान हो आप। छोड़ा आपको? हाँ कहाँ जाके छोड़ के आती, मेरा इतना दिमाग खराब था। तो मैंने किया क्या था? खुशबू के पास छोड़ के आना चाहिए था आपको। मैंने किया क्या था यार, खुशबू के पीछे पड़ गए हुए आप। कोई भी उठ के आके मेरे को बोलेगा जनी खाने लड़की, मेरे को मैं आपके लिए ऐसे बोलेगा ना, मैं उसकी जुबान निकाल दूं, ठीक है मैं। तो मैं क्या आपको दिल से दोस्त मान दूं और आप कुछ भी सुन लेते हो, सीधे बोलो ना, आपको दोस्ती नहीं है मेरे साथ यार। यार अब अच्छा अभी पहले ये वाला मसला सॉल्व कर ले, अभी मैकेनिक के पास चलना है यार। आप आपकी तरह नहीं, और रुको इसको चेक करने दो, आग वाग लग जाएगी, रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट चेक करने दो मुझे क्या दिक्कत है। ये है ना पाइप, इस पाइप से लीक हो रहा है, एक मिनट खड़ी रखो बाइक स्कूटी खड़ी रखो, पेट्रोल वाला मसला गंदा है यार, कहीं आग ही लग जाए, इधर से लीक हो रही हो पूरी स्कूटी में आग लग जाएगी यार। अभी स्कूटी मत चलाओ मेरे कहने पे, मेरी बात सुनो, ये सीरियस मसला है, एक बार चेक करवाते हैं कि यहाँ से फ्यूल निकल रहा है टक्कर से। हाँ और इधर से नहीं, प्रॉपर कंपनी से दिखाएंगे, मैकेनिक से क्यों दिखानी है, न्यू हफ्ता हुआ है अभी लिए हुए, अभी मैं आपको कंपनी लेके चलता हूँ ना। आग लग जाएगी, बात आपको उससे मतलब है, मेरे को आग लगेगी ना, मेरी खुश यार, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, आपको मैं बोल रहा हूँ ये सीरियस मसला है, ठीक है इसमें मत करो ऐसे। आप अपनी खुशबू को देखो जाके, ठीक है यार, क्या हो गया आपको हमारे बीच में, जो भी था ओवर हो गया, क्यों। अच्छा एक मिनट रुको ना, मेरी बात सुनो, कल भी मेरे को वहाँ छोड़ के ना, क्यों रुकूं मैं, एक मिनट यार, आग वाग लग जाएगी स्कूटी में, नई स्कूटी है, बचपना मत किया करो हर जगह, ठीक है इसको दिखाना पड़ेगा अभी जाके। क्या यार जीनत, आग, ये क्या लड़की है यार। 2000 years later. So finally guys, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है हमारी हाया बूजा। तो गाइज जल्दी ना, और भाई क्या हाल है, ठीक हो, सब्सक्राइबर्स भी आ गए, हेलो कैसे हो आप, क्या हाल है, ठीक हो, और सब ठीक, क्या चल रहा है, क्या हाल है भाई, सब ठीक है, और कहाँ घूम रहे हो। अच्छा हाँ होगी यार, छोड़ो उस बात को, चलता रहता है। 1,10,000 सब्सक्राइबर होने में टाइम तो लगेगा, महीना तो लग जाएगा, मेरे 1,10,000 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं अभी। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ये बोल रहे थे आपने लेनी है, नहीं तो मैं इसको मॉडिफाई करवाऊंगा। मैंने कहा जैसे मेरे 2 मिलियन होंगे भाई, 2 मिलियन पे लूँगा इनको, मैंने बोला 2-3 चीज़ें चेंज। हाँ जी सर, क्या हाल है, ठीक हो, और सब ठीक जी। मैंने इनको बोला 2-3 चीज़ें जो हमें चेंज करनी है, जैसे मिरर्स इसके चेंज करवाने हैं, और गाइस मैंने इस पर बुल वाला, मैंने इनको बोला कि बुल वाला करवाओ पूरा डिकैल्स। इसमें पहले भी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना, तो जो रेड बुल का लोगो है वो भी रेड ही होता है, तो मैं बोल रहा हूँ आप बुल वाला बनाओ इस पर। हाँ क्योंकि मैंने तो मॉन्स्टर फेयरिंग लगवानी लगवानी है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ ले लो भाई ले लो, चेन सेट पूरा चेंज करवा दिया। सो गाइस चेन सेट चेंज हो गया, और एक चीज़ गलत ले आए थे वो भी यहाँ से नहीं मिल। अच्छा चेन सेट और ब्रेक शूज दोनों चेंज कर दिए, चलो सही है। तो गाइस अब राइड लेने में मजा आएगा, ठीक है अब दोनों चीजें चेंज हो चुकी हैं।
सो फाइनली गाइस हम लेके आ चुके हैं पूजा को हाईवे पे। ओह माय गॉड भाई ब्रेकिंग बहुत हार्ड हो गई है इसकी, देख रहे हो ब्रेक शो चेंज कराए होंगे ना, ब्रेकिंग बहुत खतरनाक बज रही है भाई। अब आवाज तो खत्म हो गई है, जो पहले आवाज आ रही थी एकदम हम जब खींच रहे थे ना इतनी गंदी आवाज आ रही थी खड़खड़ की, वो बंद हो चुकी है। पर अभी इसको हम ज्यादा भगाएंगे नहीं क्योंकि इसका एक पॉकेट है ना वो पुराना ही डला हुआ है, पूरा टूट गया हुआ है वो। बाकी मजा आ रहा है यार अभी चलाने में बूजा को, मौसम बहुत प्यारा हो गया गाइस, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया हुआ है यहाँ पे। चेक करो ये चला रहे हैं हमारी BS6। क्या बात है गाइस, आज विंड ब्लास्ट इतना बज रहा है ना, क्या बात है। हाँ ये कहाँ से आया, क्या हुआ? हाँ इसको क्या हुआ, ये आज फिर आ गया यार, इसकी मुझे समझ नहीं आती है। हाँ क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है, एक बार क्या हुआ ना, वीडियो नहीं डालना, वीडियो क्यों डाली है सैम, चल यहाँ से सीधा निकल जा ठीक है, इधर दिमाग नहीं मेरा खराब करना, नीचे चौकी है इधर ही जाना पड़ेगा। चौकी से डरता हूँ क्या है, साथ आऊं रास्ता, इसको समझाओ यार इसका दिमाग खराब हो गया हुआ है, इसको समझाना यार, क्या चक्कर है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोला ना एक बार वीडियो नहीं डालनी है, क्यों डाल रहा है वीडियो, करवा ना डिलीट तू, मैंने डाली, मैं अकाउंट पे डाल रहा हूं वीडियो कोई, करवा डिलीट तू, तू बोल रहा था ना मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा, कर वो समझा रहा हूं वीडियो डिलीट कर, कर ना क्या करेगा, क्या करेगा यार समझाओ इसको, आप बीच में मत आओ, आपका मैटर है भाई, ये तू क्या कर रहा है अपना भाई, हां साइड में करो, आपका मैटर ही नहीं है ना, बात हमारी है ठीक है भाई, नहीं अपना आपका भाई होगा भाई, मैं भी मान लूंगा ठीक है, अभी हमारा मैटर है, कोई इसका दिमाग खराब है, पागल हो गया हुआ है, मेरे से लड़ने से मतलब है, तेरे को साथ रहा है इसके यार, गलती साथ रहा है, क्यों लड़ूं एक थाली में खाते थे, क्यों लड़ूं छोड़ना यार, क्या बात कर रहा है भाई, इसको सब कुछ भूल गया हुआ है, इसको इस लड़की ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई हुई है, सब कुछ भूल गया यार, आप तू इसको क्यों ले आता है यार भाई, मुझे तू इस लड़की पे क्यों जा रहा है, तू इसको क्यों ले आता है, मुझे इसको ड्रैग नहीं करना है सैम वीडियो में ठीक है, मैं भी समझता हूँ कोई लड़की है ठीक है उसकी इज्जत होती है, मुझे आपको देखो मैंने कितने प्यार से समझाया था, आप मत आया करो, मेरे को आपको ड्रैग नहीं करना है यार, इस बंदे को अकल नहीं है, इसको तो मत लाया कर साथ, मेरी मर्जी मैं अगर इसी पे क्यों जाता कि इसने पट्टी पढ़ाई है, तेरे को कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता यार, आप मुझे साहिल भाई एक चीज सिंपल सी चीज बताना, ये बंदा एक साल मेरे साथ रहा है ठीक है, ये मेरे से आप करके तमीज से बात, आपको भी पता सब कुछ, आपको बताने की जरूरत है, एकदम इसको कोई दौरा पड़ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि किसने किया भाई, देख इधर सुन मेरी बात, मैं तेरे खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी भी मुझे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे भाई आपकी सैम से क्या लड़ाई हुई, मैंने कहा चलो होता रहता है कोई चक्कर नहीं है, तुझे भाई तुझे इज्जत का वो नहीं है, मेरे को है, मैं तेरी इज्जत भी रखता हूँ अपनी भी रखता हूँ, अच्छा तभी वो वीडियो डाल रहा है ना, अगर मैं तेरी इज्जत रख रहा हूँ मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना वीडियो डालना तो फिर दोस्त का पता चलेगा ना, तो डालना, मैं डालना नहीं चाहता, मैं कल मेरे को धमकियां दे रहा है ये, मानोगे आप, इधर सुनो कल मेरे को धमकियां दे रहा है, कहता तू वीडियो डाल के दिखा, मैंने डालनी नहीं थी, इसने इतनी बदतमीजी की फिर मैंने वीडियो डाली, भाई तू वीडियो डाल रहा है ना, मुझे बताओ एक चीज मैंने वीडियो में गलत बोली, कुछ नहीं बोला, देख तीसरा बंदा बोल रहा है भाई, हमारा उनको क्या पता है, उनको क्यों बीच में ला रहा है, मेरे को ये चीज बोल, मैं तेरे लेवल पे नहीं ना गिरना चाहता, खाली देखो क्या बोल रहा है, ठीक मेरे को गलत दिखा रहा है ना तू, मेरे को अगर मैं वीडियो डालू ना मैं डालना नहीं चाहता, डालना अभी भी वो ये है कि मैं भाई मानता था तेरे को, ठीक तो यार ये लहजा बात करने का, वो चीज है भाई, वो मेरे खिलाफ वीडियो डालेगा, मैं बोल, और आपको मैंने समझाया प्लीज मत आया करो, आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हो यार, मुझे आपसे देखो लड़कों के बीच में लड़की को ड्रैग करने की जरूरत नहीं, इसको अकल नहीं है, मुझे अकल है, मैं मेरी बात सुनो, हाँ आप दोनों साथ में रहते थे एक साल में, मेरे को कितना टाइम हुआ, छह सात महीने हुए मेरे को आए हुए, हाँ साल से साथ में रह रहे थे ठीक है, आप भाइयों की तरह रह रहे थे, आप दोनों को लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए ठीक है, तो मैं कौन से लड़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी तो इसको यही आपको नॉर्मली बोला था, आपको बोला था कि साइड से रास्ता है आप वहाँ से बाइक निकाल, तो मैंने आपने वीडियो में क्या क्या बोला सैम के बारे में यार, आप वो मेरे को पुरानी बातें भी थी, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो जो चीजें थी ना मैंने वही मेंशन की थी इसको, और इसने बोला कि चलो आपका सीन है आपको घर में बोल रहे हैं, मैंने आपको ये तक बोल दिया आप वीडियो में मत आओ, आपका जो पार्ट भी होगा वो भी मैं ट्रिम कर दूंगा, पर इसको अकल नहीं है, ये आपको उठा के ले आता मैं क्या करूं भाई, मेरे को भी तो बुरा लगता है, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे को नहीं बुरा लग सकता क्या, तो हमें नहीं लगता जो तू वीडियो में बोल रहा है, तो मैंने क्या बोला गलत, एक हाँ तो सही बोला क्या है, तो भाई मैं तेरे पे वीडियो बनाऊं ना अच्छी सी बनाऊंगा, लेकिन मैं तेरे लेवल पे गिरना नहीं चाहता, बना ना ठीक है, मैं तेरे लेवल पे गिरना नहीं चाहता, बना तू ठीक है, मैं तेरे बना गिर के बताना नहीं चाहता कि तू सही है और मैं गलत हूं ठीक है, यार देख
अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, वीडियो मत डाल, ठीक है? नहीं तू दे ना धमकी कल की तरह, डाल तू वीडियो, जो करना है कर ले। आप बोल रहे हो ना वीडियो में, मैंने इसके लिए जो भी किया है, मतलब जो भी आप इतने टाइम से साथ रह रहे थे, मुझे इतना सब पता नहीं है का क्या है क्या नहीं है, मुझे तो थोड़े टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आपने सैम के लिए किया है, आप भाइयों की तरह दोनों साथ में रह रहे थे, तो सैम ने भी तो आपके लिए हाँ किया। मैं कब मना कर, मैं आपके लिए आज भी रिस्पेक्ट है, वो वीडियो नहीं डाल रहा है, तो वो क्यों नहीं डाल रहा है? मैंने कब बोला कि इसने कुछ नहीं किया, कि मैंने किया सिर्फ? मेरे को गुस्सा इस चीज से चढ़ा के भाई ये मेरे से बात कैसे कर रहा है, आप तू तू करके बात कर रहा है मेरे से। मेरे को उस चीज पे था कि कोई एक दायरा होता है, इसने दायरा वो नहीं रखा, ठीक है? मैंने जब मैं वहां से आया, एक मिनट मुझे स्टैंड लगा दो, जब मैं वहां से आया मैंने आपको कोई थोड़ा साइड करना, इसको मैं जब वहां से आया मैंने आपको क्या बोला, मैंने इतने तमीज से बोला कि इसको साइड पे कर लो, इधर जगह नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? और फिर उस टाइम भी ये आया, हाँ यहाँ से निकाल लेना, ये कोई तरीका होता है बात करने का? आपकी बात ही नहीं है, मैंने आपको बोला ही नहीं, आपने गलत बोला। मेरी प्रॉब्लम इससे है, मेरे को आपसे कोई इशू नहीं है, मेरे को इससे, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, आपको तो मैं जानता नहीं, आपसे क्या मेरा वैर होगा, है ना? जिस बंदे को जानते हैं उससे ही कंप्लेन होती है ना। इसको मैंने सीधा ये आके कैसे मेरे से बात करा, हाँ निकल जा इधर से ये कर। कल इसने क्या किया, चाबी निकाली मेरी, वीडियो डिलीट कर फिर चाबी लेके जाना। ना सब कुछ आपने वो बात नहीं होती है यार, आप बात अब मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि आप तीसरे बंदे हो, इसको अकल नहीं है, मैं क्या बोलूं? अच्छा मेरे को अकल नहीं, तो तेरे को बड़ी अकल है। देख कैसे बात कर रहा है, आप देख रहे हो? तू ही बन जा सही भाई, मैं गलत, तू ठीक है, तू सही है, मैं गलत हूं। गलत सही है, चीज मानता हूं मैं तेरे को, कब से जानता हूं, जब तेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे। अगर मेरे को तेरे से फैम लेना होता ना, तेरे मिलियन है इस टाइम पे, अगर मैं नॉर्मली बोलता हूँ ना, मेरे भी 5,00,000 सब्सक्राइबर होते हैं, अगर मैं उस हिसाब का मतलब भी होता ना, मेरे भी 5,00,000 होते। मैंने कभी भी एक चीज नहीं सोची कि मैं इससे मतलब निकालूं और साइड हो जाऊं। तो मैंने कब बोला, जो तू चीजें बोल रहा है कि मैंने सांप पाया, अगर तू ये चीज बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा, मैंने ही तेरे लिए सारा कुछ किया है, तूने मेरे लिए बहुत किया, मैं मानता हूँ बहुत कुछ किया तूने मेरे लिए, और मैं तेरी लेवल पे गिरना नहीं चाहता, तेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता, ठीक है? मेरे को और बहस नहीं करनी है, मेरे को बहुत बहस मैं कर चुका हूँ, ठीक है? साहिल भाई चलो चलो बैठो बाइक पे, मैं तेरे को यही चीज बोल रहा हूँ कि वीडियो में तूने बहुत कुछ गलत बोला है। वीडियो से हम देख, वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा तेरे से भाई, जो बन पड़ती है तू कर, ठीक है? वीडियो में मैंने तुझे कोई गाली नहीं दी, जो बातें हुई हैं सब कुछ वही बोला है मैंने, कुछ गलत नहीं बोला। चलो 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 यार लेट हो रहा है, बाकी तू कर जो करना है। हाँ मुझे नहीं पता बनाए वो, मुझे क्या पता क्यों नहीं डाल रहा, डाले आप डाल रहे हो ना, आप डाल रहे हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बोल रहे हो मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनानी, फिर आप क्यों वीडियो डाल रहे हो? एक बात बताओ, मैं तो आपको ये तक बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में आओ ही नहीं, मैं ये तक बोल रहा हूँ आपको। चलो छोड़ो यार, आप आज के बाद ना आप वीडियो बनाओ, मेरी बात सुनो पहले, मेरी सुन लो, आज के बाद ना आप मेरे पे वीडियो बनाओ ना मैं आप पे वीडियो बनाऊंगा, बात खत्म हो गई, ठीक है? चलो 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 यार बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा ऐसे नहीं जाऊँगा। हाँ 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 क्या कर रहा है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया तेरा, फोन दे मेरा, ये देख यार फोन दे इधर यार, इसका दिमाग खराब है, रोक इधर एक मिनट, क्या पागल हो गया क्या यार, ये हटना हटना आगे से, हटा आगे से, हट क्या कर रहा है, फोन दे रहे इधर, क्या यार मैं मारूंगा इसको, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, चल यार चल चल मैं मारूंगा अब इसको यार, दिमाग खराब कर रहा है मेरा ऐसे ही, पुलिस स्टेशन क्या बोलूं मैं यार, पागल हो गया क्या ये, फोन निकाल के चला गया भाई, क्या बंदा ये, ओए रोक रोक इसको सैम, रुक जा चुपचाप, मैं बता रहा हूँ दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, रोक इसको,